हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। मेरा भी बहुत बढ़िया है कुत्ते। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ। अब इंसिडेंटली पिक्चर का नाम ही है तो क्या बोलें। बहुत ही ब्रिलियंट स्टार कास्ट, बहुत ही ब्रिलियंट लोग जिन्होंने बनाई है। एंड आई थिंक इट इज़ अ के कास्ट ट्रेलर यार। दिस इज़ द बॉलीवुड, दिस इज़ द हिंदी सिनेमा वी ऑल नीड। इट इज़ ब्रूटल, इट इज़ रगेड, इट इज़ रूटेड, इट इज़ मासी, इट इज़ फिल्मी। It has got the best talent. You've got Nasruddin Shah, you've got Tabu, you've got Arjun Kapoor, you've got Konkana Sen. Konkana Sen pehle, lekin Arjun Kapoor. He has improved a lot after Ek Villain 2. Bahut badhiya. Kumud Mishra. इवन राधिका मदानी है, उससे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके के डायलॉग्स पहुँचा लिए। और शार्दुल भारद्वाज भी हैं इसके अंदर। तो इतने सारा टैलेंट, इतना सारा टैलेंट भर भर के आपको एक ब्रूटल, रगेड, रूटेड, हार्टलैंड ऑफ इंडिया की कहानी सुनाने वाला है, जो कि ओवर द टॉप नहीं होगी। रियल इसके अंदर चीज़ें होंगी। डायलॉग्स भी यार इतने ज़बरदस्त तरीके के हैं, इट्स लाइक वो डेली यूज़ वाले डायलॉग्स होते हैं ना, अरे यार मेरी गन कहाँ है। इवन टबू उसे भी कर्सेज निकाल दें, लेकिन ये कर्सेज आर लाइक फिलर्स। सो दैट्स द ब्यूटी एंड दैट्स अ चार्म ऑफ अ गुड डायरेक्टर, गुड डायलॉग राइटर, कि ये अब्यूज़ कम लग रहे हैं और ये इस तरीके कैसे लग रहे हैं कि जैसे इट्स अ डायलॉग। तो जो डायरेक्टर साहब हैं इसमें, आसमान भारद्वाज हैं, आई थिंक ही विल बी डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि जिस तरीके से उसका नरेटिव स्टाइल है, इनोवेटिव तरीके से आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर, व्हाट इज़ द प्लॉट, व्हाट इज़ द फसड, ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरीके का सेगमेंटेशन करके अलग तरीके का प्रेजेंटेशन है। प्रोड्यूस्ड एंड आशीर्वाद भाई विशाल भारद्वाज एंड मेनी अदर। तो विशाल भारद्वाज की प्रोवेस इसके अंदर दिखती है। डायलॉग्स भी विशाल भारद्वाज के हैं, जो कि छाप सरेआम दिख रही है। और जो गाने हैं उसके अंदर गुलजार नजर आने वाले हैं, वो भी दिख रहा है। म्यूजिक बहुत बेहतरीन है। और अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो एक बड़ी चोरी का प्लान बाय कुत्तों की टोली, शायद किसी ने दी गोली और वहीं से शुरू हुई है आँख में चोली। तो ये जो थोड़ा राइमिंग राइमिंग सा बन गया है, वही इस मूवी की कहानी होने वाली है और उसी के अंदर ही हमारे को समा बांध के दिया जाएगा। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी, एक्साइटेड। और कहीं ना कहीं जो हमें मिसिंग लग रहा था हिंदी सिनेमा के अंदर, वो यहाँ पर दिख रहा है। और जैसे हमने कमीने और इस तरीके की मूवीज इंजॉय करी थी, वैसा ही फ्लेवर यहाँ पर आएगा। साथ ही साथ में क्योंकि अच्छा अब ट्रेलर आ गया तो रोने वाले लोग भी आ जाएंगे। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल, कि अब वो रोने का पॉइंट क्या ढूंढेंगे। दे आर बिकमिंग वेरी क्रिएटिव, दे कैन इवन फाइंड, दे कैन ओन अ बिकिनी कलर एज वेल एज यू नो। सो इस बारी वो क्या ओन करने वाले हैं, लेट्स सी। बट दिस वन इज लुकिंग वेरी एक्साइटिंग। आपको कैसी लगी ये ट्रेलर बताना जरूर। अगर आप इसके कॉमेंट्स में जाओगे, क्योंकि मैं थोड़ी लेट कर रहा हूँ इसका रिव्यू, तो मैंने कॉमेंट्स जाके पढ़े तो लोगों ने टब्बू तो फॉर श्योर, दे आर फैन ऑफ टब्बू, तो बोल रहे हैं यार टब्बू को देखने के लिए तो हम जाएंगे। नसरुद्दीन शाह इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। अर्जुन कपूर का इंप्रूवमेंट देख के बहुत से लोग हैरान हैं, और जो एनर्जी एक लीड एक्टर में होनी चाहिए, जो मिसिंग थी, वो देखने शुरू हो चुकी है। सो आई विल गिव अ थम्स अप। जब ये मूवी रिलीज होगी तो इसको ढंग से रिव्यू करेंगे। अभी इट इज़ लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। बाय बाय।